आज हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. से आई से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6. अब क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे. अपने आप हमें वैल्यूज देनी है या टू दिस आवरसेल्व्स. कैसे करेंगे देखिए, हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं मान लो x की जगह 0 ले लेती हूँ. क्या ले लेती हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6. कितनी आ गई वैल्यू बेटा, जब मैं x के लिए 0 ले रही हूँ 2. अब मैं x की नेक्स्ट वैल्यू क्या लूँगी, क्वेश्चन है. मैं x की नेक्स्ट वैल्यू y की कोएफिशिएंट के हिसाब से लूँगी. याद है हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लेना था. हमें ए बी सी वो करने थे, चूज करने थे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. इक्वेशंस में ए जैसे 2 है, बी 3 है, और सी क्या हो जाएगा, प्लस 6. इधर आकर वो क्यों करा रहे थे, ताकि हमें समझ में आए कि एक्स की वैल्यू हम बी के हिसाब से बदलेंगे, मतलब वाई की कोफिशिएंट के हिसाब से. मतलब अगर अभी पहले वैल्यू 0 है तब 0 में या तो प्लस कर दो 3 या माइनस कर दो 3. प्लस कर देते हैं तब क्या रख देंगे, 0 प्लस 3 पे रख देंगे. और y की वैल्यू मुझे किसके हिसाब से बदलेगी, x के कोफिशिएंट के हिसाब से, मतलब a के हिसाब से. मतलब ये अगर 2 है तो या तो अब ये 2 बढ़ेगी या ये 2 कम होगी. x के कोफिशिएंट के हिसाब से y की वैल्यू बदलेगी. चेक कर लेते हैं, 2 है, 2 इंटू अब हम क्या रखेंगे 3 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6. 6 प्लस 3y ये जाके माइनस हो जाएगा. माइनस 6 तो था, और ये माइनस माइनस 6 माइनस माइनस 12 माइनस 4. तो देखो वो कोफिशिएंट किसके हिसाब से बदल रही है, इसके हिसाब से बदल रही है. किसके हिसाब से बदल रही थी, x के कोफिशिएंट के हिसाब से. अगर हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है x की, तो हम किसके हिसाब से रखेंगे, अभी 3 थी, अब हम देखेंगे y का कोफिशिएंट क्या थी. तो 3 से या तो बढ़ा दो या कम कर दो. 3 से बढ़ा कर क्या हो जाएगा, 3 प्लस कर दो तो 6. तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो अब मैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. से द क्वेश्चन इज, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4. तो x में यहाँ पे 1 है. पहले हम यूजली कोशिश करते हैं कि x में y में किसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं. मान लेते हैं हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 0, जिससे फ्रैक्शन में आए उसकी वैल्यू 0 ले लो. तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4. फिर अब हम x की वैल्यू y के हिसाब से बदलेंगे. y का कोफिशिएंट क्या है, मतलब b क्या है, माइनस 3. तो माइनस 3 अब तो प्लस कर दो या माइनस कर दो. प्लस कर देते हैं माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस 7. क्या हो गया, माइनस 7. तो x x का क्या रखेंगे, माइनस 7 माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 3y. तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1. अब ये जो दो वैल्यूज आ गई हैं, अब देखो ये दो वैल्यूज आ गई, इसको हम ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे. 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2. पहले माइनस 4 कॉमा 0 तो यही रहेगा. दूसरा है माइनस 7 कॉमा माइनस 1 तो नीचे हो जाएगा. इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. कभी कभी इन्हीं ग्राफ इस क्वेश्चन पे वो आगे ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि जब 1 की वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 व्हेन x इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1. जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए इसको और ग्राफ में देख लीजिए कि इस समय अगर ये 1 है तो क्या है इसकी वैल्यू, 4 है. जैसे क्या है आई और ए बस को वो कहेगा फ्रॉम द ग्राफ टेल, अब कहेगा फ्रॉम द ग्राफ टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 6.
या y इज इक्वल टू कह लो व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ है, ये है y इज इक्वल टू 3, तो उस समय x की वैल्यू क्या है, इधर देखो तो कहाँ पे लाइन पे टकरा है, माइनस 1 है, क्या है, देन y इज इक्वल टू 2, जब y 2 है तो 2 को लाइन से मिला, x की वैल्यू भी क्या है, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y की वैल्यू क्या है, तो x वैल्यू 3 है, 3 को क्या कर दो इस ग्राफ से, क्या कर दो ज्वाइन कर दो, और यहाँ पे देखो y की वैल्यू सर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली क्या लग रही है 5 पॉइंट, और एक बार चेक करके देख लो, यहाँ पर पुट करके देख लो, उसे क्या पूछा, जब x की वैल्यू 3 है तो 3 - 3y इज इक्वल टू -4, तो -3y इज इक्वल टू -4 - 3 - 7, तो y इज इक्वल टू माइनस कट जाएगा 7/3, 2 पॉइंट कुछ है, तो कितनी हो गई 2 पॉइंट कुछ है, आया समझ में, तो अगर वो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो x 2 के बराबर है, इस 2 को किससे ज्वाइन कर दोगे आप जाकर, इस लाइन से क्या कर दोगे ज्वाइन कर दोगे, और देखो कि जब 2 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी है 4 और 5 के बीच में, आया समझ में, इसे मैंने पुट भी करके देख लो, 2 - 3y इज इक्वल टू -4, तो -3y इज इक्वल टू -4 - -6, y इज इक्वल टू 2, 2 ही आ रही है, आया समझ में, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि मान लो हम पूरा 15 किलोमीटर चल रहे हैं, अगर पहले किलोमीटर का हमसे ड्राइवर 10 रुपये लेता है, मान लो पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये ले रहा है ओला वाला, बाकी किलोमीटर्स के लिए 8 रुपये ले रहा है, तो पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये ले रहा है, तो 1 × 10 करेंगे, और टोटल 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का पैसा दे चुके हैं हम, तो कितने किलोमीटर बाकी हैं हमारे, 14, तो 14 × 8, तो बिल कितना आएगा हमारा 122 रुपये, है ना। अब यही चीज़ जब हम आपसे वेरिएबल्स में कराते हैं तो आप लोग नहीं कर पाते हैं, अगर मैं आपसे कहती हूँ टोटल एक्स किलोमीटर्स है टोटल में, अब मैं आपसे जब बोलती हूँ तो नहीं कर पाते, तो पहले किलोमीटर के 10 रुपये हुए, अब कितने किलोमीटर बाकी हुए इसमें, इसमें टोटल एक्स किलोमीटर पे है, तो कितने किलोमीटर बाकी हुए अगर 1 किलोमीटर चला गया तो, एक्स माइनस वन, जैसे जब तुमने 15 - 1 किया था इसमें क्या होगा एक्स माइनस वन, जब एक्स माइनस वन करना होता तुम लोग ब्लैंक हो जाते हो, इंटू आर, और टोटल फेयर को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे वाई मान लेते हैं, तो 2 + 8x इज इक्वल टू वाई, फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले x की वैल्यू 0 ले लेंगे, फिर x की वैल्यू किसके हिसाब से बदलेंगे y के कोफिशिएंट के हिसाब से, y का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है, तो y का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे, तो ऐसे करके हम कर लेंगे, तो अगर हमारे पास टोटल 15 किलोमीटर है यहाँ पे y किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर चला गया तो कितने बचते y माइनस 1, अगर यहाँ पे मान लो 2 किलोमीटर चले जाते तो कितने बचते यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हो जाता 2 × 10, और यहाँ पे क्या हो जाता x माइनस 2, कितने बचे, अगर पूरे 1 किलोमीटर में से 2 चले गए तो कितने बचे x माइनस 2, तो ये चेंज हो जाता थोड़ा सा, क्या हो जाता 20 + 8x - 16 = y, आया समझ में, और x की वैल्यू y के कोफिशिएंट के हिसाब से बदलती है, y की वैल्यू x के कोफिशिएंट के हिसाब से। एक और इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था, f इज इक्वल टू 9/5 c + 32, उसे वो कहेगा कि मान लो c की वैल्यू 35 है तो f की वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल है, जहाँ पे c है वहाँ पर क्या रख दोगे, 35 रख दोगे, आया समझ में। और अगर मैं तुमसे एक इसमें ये क्वेश्चन आता है
कि आप मुझे एक ऐसी वैल्यू बताइए. अच्छा पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है, क्या ये 5 उधर जा सकता है? ये 5 उधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे 5 सबके पास नहीं है. रिमेंबर चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम. हमारे घर पे भुखमरी है, 5 सबके पास नहीं, हम बाहर नहीं भेज सकते उसको जब तक ये 5 सबके पास नहीं होगा. इज इट क्लियर? अगर आप एलसीएम ले लेते हैं और अब ये सबके पास आ गया 5, तब ये 5 उधर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता. फिर क्या हो जाएगा? 5f = 9c + 16. आया समझ में? अगर हमें ए बी सी के फॉर्म में लाना है इसको. अच्छा अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे, एक हमसे पूछता है वो कि मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, तो सेल्सियस में वैल्यू कितनी होगी? तो फ़ारेनहाइट की जगह आपने क्या रख दिया, 60 रख दिया. अब बच्चे क्या करते हैं, तुरंत 5 उधर भेज देते हैं. 5 नहीं जाएगा, +32 उधर जाके क्या हो जाएगा? -32. एग्जैक्टली. फिर 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो कि आंसर आएगा डिसवर्ड में आएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ. तो फिर 15 कुछ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 16 कुछ करके, 16 या 15. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है जिसे बोलता है f = 9/5c + 32 है. कोई ऐसी वैल्यू बताइए जिसमें ये दोनों बराबर हों. दोनों बराबर हों f और c, तो दोनों की जगह आप क्या कर लीजिए, x ले लीजिए. क्या ले लीजिए? क्या ये 5 उधर जा सकता है? नहीं जा सकता है जब तक ये दोनों में सबके पास एलसीएम ना हो. फिर 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या क्वेश्चन आएगा आएगा पेपर में 5x - 9x हो जाएगा, -4x. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/-4 - 40. दैट इज -40 degrees सेल्सियस एंड -40 degrees फ़ारेनहाइट आर द टू वैल्यूज फॉर विच बोथ द थिंग्स आर इक्वल. इज इट क्लियर? बोथ द वेरिएबल्स आर इक्वल. नेक्स्ट एक और चीज़ आप समझ लीजिए, फिजिक्स में सिंस वी हैव नॉट डन एनीथिंग साइंस द फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें एक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हाँ, हाइट या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होगी. अगर ऐसी गिरोगे तो डिस्प्लेसमेंट. वर्क की यूनिट होती है जूल्स, फोर्स की होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर. या डिस्प्लेसमेंट तो मैं पढ़ रहे हो ना. अब उसमें कहेगा कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, मान लो 10 जूल्स. एस नहीं पता है तो क्या हम कर सकते हैं, हम पहले क्या रख देंगे, एस की जगह क्या रख सकते हैं, मान लो मैंने 2 रखा तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमने अगर एस की जगह 2 रखा तो वो कितना हो जाएगा, कितना, 2 × 10 = 20. फिर हमने मान लो 0 रखा तो कितना हो जाएगा, वो 0. हमने मान लो 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 10 × 1. ठीक है, अगर हमने 6 रखा तो कितना हो जाएगा, हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है, W = F × S. ये तो खत्म हो गया इसमें. इसके अलावा मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है इस पर, स्टिल हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हम प्रूविंग्स कैसे करते हैं. अगर मैं आपसे कहती हूँ x + y + z = 0, है ना, प्रूव x³ + y³ + z³ = 3xyz. इसी प्रूविंग आ जाती है, तो हम कैसे करते हैं. सी ये पहली इक्वेशन है, इसको कैसे करेंगे, x + y = 0 - z, मतलब z को उधर ले गए, तो x + y = -z. फिर हम दोनों तरफ क्या कर दें, हमें क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या कर दें, क्यूबिंग. क्या कर दें दोनों तरफ, क्यूबिंग. क्यूबिंग का मतलब क्या होता है, x + y³ - z³. x + y³ को जरा खोलिए, क्या आता है, x³ a + b³ है, a³ + b³ + 3xy (x + y). वेरी गुड. x + y की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, -z. क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3xyz = -z³. -z³ उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस. तो हम कैसे करेंगे, हम पहला ही स्टेप लेंगे, x + y + z = 0, तो x + y = -z. फिर हम क्या कर देंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स. इज इट क्लियर? कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की. एक और प्रूविंग है हमारी,
जिसे हमें प्रूव करना है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कैसे करेंगे हम लोग? इसमें हम x प्लस y होल क्यूब लेंगे, इसमें भी सब में हम वही कर रहे हैं। x प्लस y होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। अब हमें x क्यूब प्लस y क्यूब एक तरफ चाहिए, तो ये जो पूरा है ये पूरा एक साथ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरा ला के इधर ले आओ। ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अब फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मतलब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? एक्स प्लस वाई, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई। व्हाट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई। अभी टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई। हैंस प्रूफ जो हमें चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट प्रूफ हम देख लेते हैं। इसमें वो कहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कीजिए, यहाँ पे माइनस लगाइए और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए, तो इसमें हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्स माइनस वाई होल क्यूब। व्हाट इज एक्स माइनस वाई होल क्यूब? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में माइनस थ्री एक्स वाई, एक्स माइनस वाई पूरा उधर उधर उत्तर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। नाउ यू फाइंड कॉमन, व्हाट इज कॉमन? एक्स माइनस वाई। व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई। अब ये माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। डन। सिंपल है, प्रूविंग्स कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एंड वी आर डन विद ऑल द प्रूविंग्स जो मुझे लोगों से डिस्कस करनी थी सैटरडे संडे के एजेंडा के हिसाब से। आपकी ऑफर आना है आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, चाहे मैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बोलूँ चाहे वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर बोलूँ एक ही बात होती है। चाहे मैं z माइनस एक्स होल स्क्वायर बोलूँ चाहे मैं x माइनस जेड होल स्क्वायर करूँ एक ही बात होती है। और अगर कभी क्वेश्चन में मान लो मिल जाए माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो परेशान मत होना, इसकी आइडेंटिटी कैसी होगी? जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर होगी, क्या होती है? सेम होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सब कुछ प्लस में होगा। इज इट क्लियर? अब हमें इसको प्रूव करना है, काफी डेंजरस दिख रहा है ये। हमें पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड की आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी टू ए बी। अपवास करा दो बस। अब हमें हाफ चाहिए, वी कैन नॉट, हम हाफ अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्वेश्चन में। हाँ, बट हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी क्वेश्चन में। वो अब देखो, वन इस दुनिया में किस किस फॉर्म में होता है? टू अपॉन टू, थ्री अपॉन थ्री, फोर अपॉन फोर, फाइव अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन सिक्स, सेवन अपॉन सेवन, एट अपॉन एट, नाइन अपॉन नाइन। इसमें वन का कौन सा फॉर्म ले लें? हमें हाफ चाहिए तो हम क्या ले लें? टू अपॉन टू। ठीक है, क्या हमें पहला ब्रैकेट बदलना है? पहले ब्रैकेट में हमें केवल हाफ चाहिए, तो हाफ इधर रखिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऊपर वाला तो टू रह गया, इस वाले टू को अंदर ले जाओ। क्या करते सर टू को अंदर में, सारे टू को लेगी दूसरे वाले ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट ब्रैकेट में डिस्टर्ब ही नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख देना, टू एक्स स्क्वायर को मैं तोड़ रही हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस
y square, 2z square को z square plus z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx. Now listen to me very very carefully. x square plus y square minus 2xy है. ये किसकी आइडेंटिटी है? x minus y whole square, y minus x whole square, one and the same thing. x square, z square, 2zx. x minus z whole square, या z minus x whole square. y square, z square, 2yz. Get out. मैं इसको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ तुम लोगों को, यूट्यूब पर डाल रही हूँ, उसको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए.